देखिए फाइनली हमारा मछली करी बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए एकदम गरम गरम तो भाप आ रहा है ऊपर। ये जो मछली करी है एकदम विलेज स्टाइल मछली करी है, तो इसमें भाभी ने डाला वो जो पुई होता है ना पुई, तो पुई का नाड़ी डाल के बनाया है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं सुबह से सो रहा था क्योंकि कल रात को थोड़ा काम था, इसलिए मैं देर से सोई। तो मम्मी अभी बाहर गया था क्योंकि गांव के अंदर आते हैं ना वो मछुआरे मछली लेके, तो वहाँ से कुछ मछली खरीद के लाया है, समुंदर का मछली। तो चलिए देखते हैं कौन सा मछली है, आज दोपहर में बनेगा मछली करी समुंदर का मछली। तो चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को कौन सा मछली। तो सुबह सुबह आ गया मछली हमारा घर में, और घर में तो अभी कार्तिक महीना चल रहा है इसलिए मम्मी और भाभी नहीं खाएंगे, बस हम चार लोग खाएंगे। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। जाते जाते यहाँ देखिए जाति खेल रहा है। एक बाप बाप ये देखिए मम्मी बैठ के मछली बना रही है। बस सुबह सुबह आ गया है मछली, ये रहा समुंदर का मछली। ये देखिए तो आज दोपहर में बनेगा मछली करी। तुम भाई क्या करा कुछ है ना? ये जो मछली है, ये मछली का जो प्राइस था दो महीने पहले तो 100 के ऊपर था, तो अभी वो 80 रुपया किलो हो गया है। क्योंकि इसमें ना जो अक्टूबर महीना है ना वो कार्तिक महीना चल रहा है अभी, तो इसलिए वो मांस मछली लोग ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, इसलिए थोड़ा कम हो रहा है रेट। तो मम्मी ने लेके आया है ये। देखिए मम्मी जा रहा है मछली साफ करने के लिए हमारा तालाब में। यहाँ पर बाबूजी काम कर रहे हैं, तो ये जो बाड़ी है हमारा बाड़ी के अंदर काम कर रहे हैं, इसे सब ये सब घास निकाल रहे हैं। तो ये घास निकालने के बाद यहाँ पर लगेगा टमाटर और बैंगन का पौधा लगेगा, तो इसलिए ये थोड़ा साफ कर रहे हैं बाबूजी। यहाँ पर देखिए ये सब बड़ा बड़ा घास हो गया है, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा घास हो गया था, तो उसे निकाल रहे हैं ताड़ के। बस इस साइड हम लोग लगाएंगे टमाटर और बैंगन लगाएंगे। ये जो इस साइड में लगा था जो भिंडी लगा था वो तो ख़राब हो चुका है भिंडी, और ये सब निकाला जाएगा, तो ये भी निकाला जाएगा। तो लगाएंगे टमाटर बहुत ज़्यादा लगाएंगे, टमाटर गोभी और ये देखिए ये जो ये देखिए हमारा नया तालाब में बाबूजी ने ये बना लिया है, तो यहाँ पर एक तुठा बना लिया है, तो यहाँ पर बैठ के और काम करने के लिए मतलब कोई सामान वगैरह धोने के लिए। तो देखिए कितना सुंदर बना दिया है बाबूजी ने।
देखिए सारा मछली तो साफ हो चुके हैं। गेलुआ के बोला है कि तालाब में क्यों धुआ, तो इसलिए वो यहाँ पे बैठ चुका है। वो सुबह सुबह पिटाई हो चुकी है इसके ऊपर, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। फिलहाल अभी टाइम हो रहा है दोपहर को 11:30 बज रहा है, तो अभी बन रहा है हमारा मछली करी बनाया है भाभी। तो भात तो बन चुकी है, ये देखिए तो भात तो बन चुकी है और अभी बन रहा है मछली करी। तो मछली करी के लिए ये रहा, ये देखिए तो करी बनेगा। भाभी ने सारा सामान रेडी कर लिया है, टमाटर प्याज यहाँ पे तेल और मसाला भी बांट के रखा है इसमें, ये देखिए मसाला बांट के रखा है। गीत उठना मछली भजा तो हो चुकी है। भाभी ने बढ़िया से मछली भजा बनाया, तो ये सारे मछली भाज रहा है भाभी, इसे बनेगा करी तो खाएंगे। ये जो मछली है देखिए, ये जो मछली है इसे खट्टा बनाएगा भाभी, खट्टा ना, इसे खट्टा बनाएगा। देखिए फाइनली हमारा मछली करी बन के रेडी हो चुकी है, ये देखिए। ये जो मछली करी है एकदम विलेज स्टाइल मछली करी है, तो इसमें भाभी ने डाला वो जो पुई होता है ना पुई, तो पुई का नाड़ी डाल के बनाया है, नाड़ी और आलू डाल के मछली करी बनाया है। ये बनेगा मछली खट्टा, तो
जिस दिन मछली वगैरह होता है थोड़ा तेल में ज़्यादा देते हैं, लेकिन अगर सबको थोड़ा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है किसी। ये ऊपर डाल दिया हमने इमली का पानी, तो ये बन गया खट्टा। तो हमारा मछली खट्टा तो बन चुकी है, तो उसके बाद बन रही है वो करेला आलू की भजा। फाइनली टाइम हो रहा है रात को 10:30। बस करते हैं डिनर, डिनर में खाएंगे रोटी और जाम और साथ में एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।